राजा दशरथ राम को अगले राजा के रूप में घोषित करने की तैयारी करते हैं। केकई ने एक बार युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई थी, तब राजा दशरथ ने केकई को दो वर मांगने के लिए कहा था, जिसे केकई उस वक्त नहीं मांगती है और कहती है कि जब मुझे जरूरत होगी तब मैं मांग लूंगी। केकई रूठ जाती है और राजा दशरथ उसे मनाने आते हैं। देवी केकई, क्या हुआ बताओ, कुछ बोलो भी, ऐसे चुप ना बैठो, तुम जो चाहो इसी क्षण दे देंगे हम। दे देंगे दे देंगे, सदा ही कहते रहते हो, आज नए वचनों को लेकर आ गए हो, अभी तक तो आपने पुराने वचनों को भी पूरा नहीं किया। आओ इधर मेरे पास बैठो, तुम अभी मांगो, देवी केकई हम प्रतिज्ञा करते हैं, जो मांगोगी हम तत्काल उसे पूरा कर देंगे। सच में मांग लो, पहले ये मांगू कि ये? हाँ हाँ, जो चाहो मांगो। मेरा पहला वरदान ये कहता है कि अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। भरत को? और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या 14 वर्ष का वनवास? रानी से अपने वादे से बंधे हुए दशरथ के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं आपसे एक ही बार में महल छोड़ने की मांग करता हूँ, भरत अयोध्या के अगले शासक होंगे। परंतु पिताजी, अब कोई चर्चा नहीं होगी। पिताश्री, आपके आज्ञा के अनुसार मैं अवश्य करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं केकई माँ से किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगा। प्रभु, मैं आपके साथ आ रही हूँ। प्राणनाथ, आप जहाँ होंगे वहीं मेरा घर होगा। मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ भ्राताश्री। राम, सीता और लक्ष्मण अगले 14 वर्षों के लिए वनवास का जीवन व्यतीत करने के लिए वन में चले। राम, सीता और लक्ष्मण वन में वनवास का जीवन शुरू करते हैं। एक दिन राक्षस राजा रावण की बहन सुर्पणखा को जंगल में राम को देखती है और उससे प्यार करती है। वह खुद को एक सुंदर महिला के रूप में दिखाती है और राम के पास जाती है, लेकिन राम उसको ठुकरा देता है। क्रोधित लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और उसे विदा कर दिया। सुर्पणखा अपने भाई के पास दौड़ती हुई और जो कुछ भी हुआ उसे बताती है और उसे राम की सुंदर पत्नी सीता के बारे में भी बताती है। रावण ने सीता को पकड़ने और अपनी बहन को अपमानित करने के लिए राम से बदला लेने का फैसला किया। भ्राता श्री, देखिए एक सुनहरा हिरन। रावण एक बूढ़े भिखारी के वेश में प्रवेश करते हैं।
भिक्षान देही, कृपया मुझे कुछ खाना दो, मैं थका हुआ और भूखा हूँ। सीता उसकी बात सुनती है और झोपड़ी से बाहर आती है। हे ऋषिवर, कृपया प्रतीक्षा करें। सीता भोजन और पानी लेकर झोपड़ी से बाहर आती है। वह लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा पर रुकती है। हे ऋषिवर, अपना भोजन प्राप्त करें, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। हे उदार आत्मा, क्या आप इस भूखे आदमी को भोजन नहीं देंगे? मैं आपकी सुरक्षा के लिए खींची गई रेखा को पार नहीं कर सकता। सीता के घेरे से बाहर निकलते ही रावण अपने मूल रूप में लौट आता है और हंसता है। हा, आप तुम मेरी हो, आपके पति ने जो किया है उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। हे दानव, तुम मुझे कभी नहीं ले जा सकते, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। राम और लक्ष्मण सीता की खोज जारी रखते हैं। वे वानर राजा सुग्रीव के सहयोगी बन जाते हैं। उनके सैनिकों में दैवीय शक्तियों से संपन्न हनुमान है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। हे प्रभु, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं जल्दी ही खुशखबरी लाऊंगा। पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मो, मैं खुशखबरी लाया हूँ, माता सीता जीवित हैं और स्वस्थ हैं। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, वह लंका में है, राक्षस राजा रावण के राज्य में। जय हनुमान। फिर हम और समय बर्बाद नहीं करेंगे, आइए हम तुरंत लंका की ओर प्रस्थान करें। तो राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़ते हैं। राम की सेना रावण की राक्षस सेना पर युद्ध छेड़ती है। बड़ी लड़ाई होती है। दानव जानवर और इंसान कई दिनों तक आपस में लड़ते रहते हैं। रावण बहादुरी से लड़ता है, लेकिन राम की ताकत और वीरता के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं है। रावण अपने गद्दा चक्र तीर कुल्हाड़ी यहाँ तक कि उखाड़े गए पेड़ों को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन राम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। लड़ाई कई दिनों तक चलती है। रावण मंत्रों ज्वलनशील हथियारों का उपयोग करना शुरू कर देता है, लेकिन राम उन्हें बीच में ही रोक देते हैं और उन्हें वापस रावण के पास भेज देते हैं। राम तब रावण का सिर काट देते हैं, लेकिन हर बार जब वह ऐसा करता है तो उसके स्थान पर एक नया सिर दिखाई देता है। राम देवताओं से प्रार्थना करते हैं, एक विशेष बाण निकालते हैं और इसे रावण के हृदय में लगाते हैं। तीर दानव राजा के दिल को छेद देता है और वह नीचे गिर जाता है और मर जाता है। दानव राजा मर चुका है, राजकुमार राम ने हम सभी को बचाया है। दीर्घायु हो राजकुमार राम, दीर्घायु हो राजकुमार लक्ष्मण, जय हो राजा सुग्रीव, जय हो हनुमान।
हे प्रभु, आप मेरे लिए आए हो? दीर्घायु हो राजकुमार राम, जय हो माता सीता। राक्षसों के खिलाफ युद्ध जीतकर राम और सीता विजयी होकर अयोध्या लौट आए। उनके 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ। अयोध्या के लोग अपने रास्ते में मिट्टी के दिए जलाकर अपने नए राजा और रानी का स्वागत करते हैं। इस तरह दिवाली मनाई जाने लगी। दीपक बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दियों से प्रकाश दुनिया में अंधेरे को दूर करने के लिए कहा जाता है। आप सभी को शुभ दीपावली की शुभकामनाएं।